दोस्तों चाइना लगातार जापान पर निगरानी रखने के लिए अपना फाइटर जेट को भेजता रहा है। वहीं इसे काउंटर करने के लिए जापान के पास F-35 है, जबकि चाइना 200 की संख्या में J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट को ऑपरेट करता है, जो सभी मामले में जापान इस F-35 से आगे ही है। इसी कमी को देखते हुए जापान अमेरिका से F-22 राप्टर लेने का मांग कर रहा था, लेकिन लंबे प्रयासों के बाद भी अमेरिका जापान को F-22 राप्टर देने से इनकार कर देता है। उसके बाद जाकर मजबूरी में आकर जापान 135 की संख्या में F-35 लाइटनिंग को अमेरिका से खरीदा। लेकिन दोस्तों F-35 एक लो मैनेवरेबल प्लेन है, जिसे एक बॉम्बर के जैसे डिजाइन किया गया है, जिसके चलते यह चाइनीज J-20 को तो अपने एडवांस राडार के जरिए देख सकता था, लेकिन उसके पास पहुंचते J-20 चाइना में लौट जाता। दोस्तों जापान तो जापान ही है, जो लगातार दुनिया का सबसे बेहतरीन फाइटर जेट इंजन बनाने में जुट जाता है। पहला इंजन F-3 जो 16 किलोन्यूटन थ्रस्ट जनरेट कर सकता था, जिसके बाद चाइना जापान का काफी मजाक उड़ाता है। लेकिन उसके बाद XF-3, फिर XF-5, XF-9 जो USA और रशियन इंजन से भी सभी मामलों में बेहतर है।